Nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure. हेलो गाइस, बिगिनर टू एडवांस वर्कआउट सीरीज का डे 150 आज हम करने वाले हैं। 150 दिन, 150 डेज आज हम कंप्लीट कर लेंगे। और अभी तक की काफ़ी अच्छी जर्नी रही है हमारी, काफ़ी अच्छा फैट लॉस भी हुआ है हमारा, इंच लॉस काफ़ी मेन था हमारा, वो जरूर हुआ है। और जो मसल गेन अभी जो हमारा चल रहा है, फैट लॉस और मसल गेन दोनों साथ में अच्छा चल रहा है। वो डे 150 आज हम करने वाले हैं, जिसमें हम करेंगे शोल्डर एंड कोर। और इसी जर्नी को हमको आगे तक लेके जाना है। अभी हमारी पूरी बॉडी ट्रांसफॉर्म होना बहुत बाकी है। अभी हमने सिर्फ अभी तक फैट लॉस और मसल ग्रोथ ये थोड़ा बहुत स्टार्ट करा है। अभी पूरी मसल ग्रोथ मैच्योर हो जाए, पूरी अच्छे से बॉडी दिखने लग जाए, फिर हम इसको कटिंग पे करेंगे। उसमें भी थोड़ा लंबा प्रोसेस है। देखिए, बहुत जल्दी कोई बॉडी नहीं बनती है। अभी देखिए 150 डेज में भी अगर आपने भी इस सीरीज को प्रॉपर फॉलो करा होगा तो आपको पता है आपके रिजल्ट कैसे आए। और नेचुरल वे से जो भी चीज़ें करते हैं उसमें थोड़ा समय लगता है और टाइम लगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अच्छा अचीवमेंट जरूर मिलेगा। सो आज हम डे 150 करने वाले हैं, स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, वार्म अप हमारा कंप्लीट हो चुका है, प्रॉपर वार्म अप करा। और फर्स्ट एक्सरसाइज हम करने वाले हैं डम्बल ओवरहेड प्रेस, और इसके हम टोटल 4 सेट करेंगे। 3 सेट हमारे स्ट्रेंथ होने वाले हैं और एक जो लास्ट होगा वो हाई एंड्योरेंस होने वाला, 25 रेपिटेशन। और स्टार्टिंग वेट में 25 kg ले रहा हूँ और 6 से 8 रेपिटेशन हम लगा सकते हैं। मैं भी 6 रेपिटेशन ही लगूंगा क्योंकि मेरे को वेट इंक्रीज करने की पूरी कोशिश करूंगा कि वेट इंक्रीज हो उसमें। सो स्टार्ट करते हैं भाई। वेट लिफ्ट मतलब उठाने से ही पता पड़ रहा है काफ़ी टाइम बाद हैवी वेट कर रहा हूं मैं, लेकिन करेंगे, स्टार्ट करते हैं। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. 3 set हमारे स्ट्रेंथ में हो गए। फर्स्ट सेट 25 kg पे करा, फिर 30 kg पे 6 रेपिटेशन आ गए। काफ़ी टाइम बाद 30 kg लिया, बहुत स्ट्रेंथ में बहुत मजा आता है वर्कआउट करने का। लास्ट सेट हमारा 4 सेट है, वो 25 रेपिटेशन है, 12.5 kg ले रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम करने वाले हैं डम्बल साइड लेटरल रेस, और इसमें भी हम 4 सेट करेंगे। 3 स्ट्रेंथ है, 12.5 kg स्टार्ट कर रहा हूँ और 8 रेपिटेशन हमको करने हैं। और लास्ट जो सेट रहेगा हमारा 25 रेपिटेशन, स्टार्ट करते हैं। Somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck. Under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head. Next जो हम कर रहे हैं plate front rest with twist करने वाले हैं। इसके अंदर day 1-2-2 में इसके बारे में मैंने बता रखा है कैसे आपको करना है। और टोटल 3 सेट ही करने वाले हैं, वेट इंक्रीज होगा तो कर लेंगे, बाकी 8 रेपिटेशन आपको करने हैं। सो स्टार्ट करते हैं। The thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to. Next I'm gonna like cable pe D grip अपराइट, इसके बारे में मैंने पहले बता रखा है, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। और डे 1-9 में मैंने इसके बारे में कंप्लीट बताया है। 4 सेट टोटल करेंगे, 3 हमारे स्ट्रेंथ है, लास्ट वाला 25 रेपिटेशन करना है इसी सेम एक्सरसाइज पे। सो स्टार्ट करते हैं।
I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop, unplug. Feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me. 3 set हमारे complete हो गए. Last set हमारा 25 repetition है. Low weight कर लिया है. अब total 25 repetitions पे करने हैं. इसके बाद हम last exercise करने वाले हैं. Super set में करेंगे. पहले इसकी 25 repetition कर लेते हैं. फिर हम last super set करेंगे. Haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird. I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear. Sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real. Anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird. I can't seem to focus good. आज के डे की लास्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं नेचुरल के डंबल फ्रंट राइज 8-8 रेपिटेशन 3 सेट और लास्ट वाला हम 25 रेपिटेशन करने वाले हैं और इसी के साथ में सुपर सेट करेंगे साइकिल क्रंचेस. इसके बारे में डे 59 में मैंने कंप्लीट बता रखा है, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं. ये सुपर सेट में टोटल 4 सेट होने वाले हैं. स्टार्ट करते हैं. वेट अभी मैं ले रहा हूँ 12.5 और एक बार मैं साइड से करके दिखाता हूँ, आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा. नेचुरल ग्रिप रखनी है, हैमर ग्रिप, और इसमें ही फ्रंट रेस करना है. ऑल्टरनेटिव भी कर सकते हैं और बॉथ हैंड भी कर सकते हैं. I got nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over. Damn, no closure. Moving closer. Super set mein cycle crunches kar rahe hain. Start karta hoon. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head. Aaj ke day ka last set, 12.5 pe, 8-8 repetition, each hand pe aa gaye. Aur जो क्रंचेस करें हमने साइकिल क्रंचेस, उसमें मैं 20-20 रेपिटेशन के 3 सेट कर चुका हूँ. लास्ट सेट भी 20 रेपिटेशन का हो जाएगा और इसके अंदर मैं 5 केजी ले रहा हूँ 25 रेपिटेशन के अकॉर्डिंग. सो स्टार्ट करते हैं. गर्मी दिन पे दिन बढ़ते जा रही है, पानी पीने का पूरा ध्यान रखना है. अभी देखिए आप कितनी खतरनाक स्वेटिंग हो रही है और ये होना भी अच्छा है, ऐसे कोई बुरी बात नहीं है. और आज का हमारा वर्कआउट पूरा कंप्लीट हुआ. शोल्डर काफ़ी अच्छे से शोल्डर को ट्रेंड करा हमने और हर एक बॉडी पार्ट का, मतलब जो शोल्डर का पार्ट्स हैं उनको पूरे को ट्रेंड करा है. सो आज का वर्कआउट हमारा प्रॉपर तरीके से कम्प्लीट हो चुका है. डे 150 हमने अभी तक कम्प्लीट कर चुके हैं. ये बहुत अच्छा, मेरे को बहुत पर्सनली मेरे को जो खुशी है ना इसकी डे 150 की, वो हो सकता है आपको भी खुशी हो जो डे 1 से लेकर डे 150 तक जिन्होंने फॉलो करा हो. क्योंकि एक रेगुलरिटी मेंटेन करना, कंसिस्टेंसी फॉलो करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. चलो डाइट को अपन ने 19-20 कर लिया, नींद कभी आई नहीं आई, पानी को थोड़ा सा अप डाउन कर लिया, लेकिन एक जो वर्कआउट वाला शेड्यूल है, जो दिन भर का शेड्यूल है, वो वर्कआउट से ही बनता है. जैसे कोई मॉर्निंग में वर्कआउट करने जाता है तो उसका एक फिक्स शेड्यूल होता है कि मुझे इतनी बजे उठना है, मुझे ये मील लेनी है, उसके बाद वर्कआउट करने जाना है, तो एक वो फिक्स होता है. जैसे जिस दिन वो छुट्टी रखता है या फिर वो नहीं जा पाता है किसी कारण की वजह से, तो उसका वो पूरा दिन डिस्टर्ब हो जाता है. ना वो डाइट प्रॉपर ले पाता है, ना पानी इनटेक अच्छे से हो पाता है, ना नींद अच्छे से आती है. क्योंकि वो ओवरऑल देखा जाए ना कि जो मॉर्निंग में उठना था वो टाइम मिस हो गया, वर्कआउट का टाइम मिस हो गया, जो हमारे काम थे वो सब डिले होते जाते हैं. सो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना बहुत ज़रूरी है, एक टाइम को मेंटेन करना ज़रूरी है, एक मॉर्निंग में उठना, रात को सोना, ये सब एक पर्टिकुलर एक शेड्यूल के हिसाब से चलना बहुत अच्छा है. और ये हमारे ही डेली रूटीन और हमारे लिए अच्छी चीज़ है. और हम जो बचपन से सीखते आते हैं वो इन सब चीज़ों के बारे में ही होता है. हम स्कूल जाते हैं, एक टाइम फिक्स होता है, एक टाइम के बाद हमारी छुट्टी होती है, लंच होता है, ये सब बाद में भी हमारे को फॉलो करना चाहिए. सो आज का वर्कआउट हमारा कंप्लीट हुआ, डे 150. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build.